जो हमारे मन विचारों और आत्मा में अद्भुत शक्ति, शांति और सुकून भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना भी हमारे मन और आत्मा के लिए जरूरी है। प्रार्थना से भरा हृदय विश्वास और प्रसन्नता से भरा रहता है। इफ यू वरी इट मीन्स यू डोंट प्रे, एंड इफ यू प्रेड देन वाई डू यू वरी। अगर आप चिंता करते हो तो इसका मतलब आपने ठीक से प्रार्थना की ही नहीं, और अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना की है तो फिर चिंता क्यों करते हो, किस बात की चिंता करते हो। प्रार्थना आपकी सारी चिंताएं, डर और दुखों को खत्म कर देती है। ए डे विदाउट प्रेयर इज ए डे विदाउट ब्लेसिंग, एंड ए लाइफ विदाउट प्रेयर इज ए लाइफ विदाउट। जिस हृदय से प्रार्थना नहीं निकलती, उस हृदय में कभी प्रसन्नता, विश्वास और निश्चितता आ ही नहीं सकते। कुछ लोग सिर्फ दुख और मुसीबत आने पर ही प्रार्थना करते हैं। इफ यू ओनली प्रे व्हेन यू आर इन ए ट्रबल, यू आर इन ए ट्रबल। जो लोग सिर्फ संकट के समय में प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी के संकट हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते। लेकिन जो रोज प्रार्थना करते हैं, बड़े से बड़े संकट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे तो प्रार्थना किसी भी वक्त और किसी भी जगह की जा सकती है, पर सुबह के समय में की गई प्रार्थना हमारी आत्मा को शांति और सुकून से भर देती है, और सारे दिन हमारे अंदर एक प्रसन्नता भर देता है। आज हम परम शक्ति, परम पिता परमात्मा के चरणों में वो प्रार्थना करेंगे जिससे आदिकाल से आध्यात्मिक शक्ति से भरे आत्मा से जागृत करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इस प्रार्थना ने हमेशा लोगों की जिंदगी में चमत्कार किए हैं, और आज भी ये प्रार्थना लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर रही है। ये प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जरूरी बात और बता दूं। आपकी जिंदगी में तब असर करती है जब इन शब्दों के साथ आपके हृदय का भाव जुड़ा है, क्योंकि बिना शब्दों के भी प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन बिना हृदय के सच्चे भाव के प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए ये प्रार्थना आप रोज सच्चे दिल से परम पिता परमात्मा से जरूर करें। अब आप उस परम शक्ति को परम पिता कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, शिव कहें, कृष्ण या राम कहें, भवानी कहें, प्रकृति कहें, एक ओंकार कहें, खुदा कहें, चाहे जिस नाम से भी पुकारें, सब नाम उस एक परम शक्ति के ही हैं। तो आइए उस सत्य रूप परम पिता से जुड़ने के लिए उनके आगे हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें। हे परम शक्ति, शिवरूप परम पिता परमात्मा, जीवन में छाए भय, शांति, दुख और परेशानी के अंधकार को आप दूर करें, और जीवन में निर्भयता, सुख और आनंद की ज्योति प्रदान करें। विचार और आत्मा की पवित्रता प्रदान करें। हे परमपिता परमात्मा, आप समग्र विश्व को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पे पूरा विश्वास है। मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि परमात्मा ने हमेशा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि आज आपने मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन दिखाया है। कुछ लोग भी सोचें या कुछ भी कहें, हे ईश्वर, मैं हमेशा आपकी प्रार्थना करती रहूँगी। ईश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को तब भी सुना है जब मुझे मेरी प्रार्थनाओं के लिए शब्द भी नहीं मिलते। हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दे कि जिंदगी की सारी मुश्किलें, सारे दुखों और परेशानियों को आपकी कृपा से आसानी से पार कर जाऊँ।